सब मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तुम्हारा फॉर्मूला है साइन टू ए, साइन टू ए व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू है टू साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका और एक वैल्यू है तुम्हारा कितना, दैट इज टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस टू ए का हमारा पास चार फॉर्मूला है, कॉस टू ए का क्या वैल्यू है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इट इज टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और इट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और इट इज वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तुम्हारा cos 2a का फोर वैल्यू है। सिमिलरली tan 2a इज व्हाट, tan 2a यू फाइंड tan 2a का वैल्यू कितना है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। और ये फॉर्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं, कैसा करेंगे, यू नो द फॉर्मूला tan a प्लस b, a प्लस b का जगह पे क्या यूज करेंगे, a यूज कर देंगे, तो tan a प्लस a मतलब tan 2a, अगर कोई एक का बोलोगे तो उसको डिराइव करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हम हाउ यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला। जैसा इसका अगर चेक करेंगे हम, tan a प्लस b का वैल्यू कितना होता है तुम्हारा, tan a प्लस b इट्स वैल्यू इज व्हाट, tan a प्लस tan b बाय वन माइनस tan a इंटू व्हाट tan b, ये है तुम्हारा tan a प्लस b का वैल्यू। तो इसको अगर हम tan 2a का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो ये क्या करेंगे यहां पे, tan a प्लस a इज व्हाट 2a। अब यहां पे क्या करेंगे, tan a b को रिप्लेस करेंगे a से, तो ये हो गया tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, tan a कितना हो गया 2 tan a, इट इज व्हाट 1 माइनस tan स्क्वायर, सो You are getting this formula, ठीक है? Like this सारा formula का derivation हम कर सकते हैं। ऐसा cut 2a का formula क्या है तुम्हारा? Cut 2a, what is its value? That is cut square a minus 1 divided by what? 2 cot a. Clear? Then you are getting three formula for sin 3a. cos 3a and tan 3a. cos sin 3a, what is its value? sin 3a, its value, याद करो, sin 3a का value कितना है? 3 sin a minus 4 sin qa. It is 3 sin a minus 4 sin qa. Similarly, cos 3a is what? cos 3a, you are getting how much? 4 cos qa minus what? 3 cos a, and you are getting tan 3a, its value will be what, that is what is its value, 3 tan a minus 10 qa divided by 1 minus 3 tan square, 3 tan a minus 10 qa divided by 1 minus 3 tan square a. So you are getting these three formulas for 3a. ये तुम्हारा 3a का formula है, ठीक है? अब इसका application हम करेंगे. So ये clear हुआ regarding formula, ठीक है? Now इसका application करेंगे हम. How to use this formula? सपोज यहां जैसा दिया है तुम्हारा, दिस इज योर tan थीटा इज b बाय a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, यहां दिया हुआ है तुम्हारा tan थीटा, ये गिवन है b बाय a, इफ tan थीटा इज b बाय a, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है? तो यहां क्या करेंगे हम,
That is A. What is the value of cos 2 theta in terms of 10? अरे इसको 10 में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि 10 का ही वैल्यू दिया हुआ है. तो cos 2 theta का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? 10 फॉर्म में 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta plus B into sin 2 theta का वैल्यू है 2 10 theta divided by 1 plus 10 square theta. कोई डाउट है इसमें? अब 10 थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है? यू पुट दैट वैल्यू a इनटू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्लियर प्लस 2b इनटू 10 थीटा इज व्हाट इज इट्स वैल्यू b बाय a Here it is 1 plus ये कितना हुआ b square by a square तो कितना है ये a into a square minus b square by a square and here a square plus b square by what a square and a square यहाँ क्या हो गया तुम्हारा 2 b square by a here it is a square plus b square by what a square A and square cancel. So what will be its value? Its value kya hoga abhi? This is A into. Here it is A square minus B square by what? A square plus B square. Plus. Ye A ko upar lenge. To ye kitna ho gaya? 2AB square by A square plus B square. Clear? What is the LCM? This is a square plus b square and here it is a cube minus ab square plus 2ab square. So it will be a cube plus ab square by what? A square plus b square. So what we can take common? A common lenge. So ye kitna hoga? A square plus b square by what? A square plus b square. These two cancel. What is its value? समझ में है? कोई डाउट है इसमें? So this is the application of the formula cos 2 theta. One of the formula you are using. Cos 2 theta. Cos 2 theta का कितना formula है हमारे पास? चार formula है. उसमें से हम 10 का value लेके use किए. क्यों use किए? क्योंकि ये जो दिया हुआ है 10 का form में ही दिया हुआ है. ठीक है? Clear? Next suppose another problem. Here you have to prove sin theta plus sin 2 theta. Okay, complete. Sin theta plus sin 2 theta sin theta plus sin 2 theta by 1 plus cos theta plus cos 2 theta sin theta plus sin 2 theta by 1 plus cos theta plus cos 2 theta this we have to prove as what 10 theta iska kya prove karna hai hamara 10 theta prove karna hai सिंपली फॉर्मूला यूज करो यहां देखो ये तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा जितना ज्यादा प्रॉब्लम में जितना मैक्सिमम टाइम तू फॉर्मूला को यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्लैरिटी आ जाएगा फॉर्मूला का ऊपर तो कमांड आएगा ही आएगा नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा प्रॉब्लम देख के ही तुम डिसाइड कर पाओगे कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितना ज्यादा करो वो बेटर है तो यहां क्या कर रहे हैं इसको जस्ट यूज द फॉर्मूला sin थीटा प्लस sin 2 थीटा का जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए 2 sin थीटा * व्हाट cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा In place of cos 2 theta, इसमें यूज करो 2 cos square theta minus 1, plus 1 and minus 1. यहां क्या कमल ले सकते हैं हम? Sin theta कमल लिए. तो कितना आया तुम्हारा? 1 plus 2 cos theta. यहां क्या कमल लेंगे? Cos theta. So, what you are getting? 1 plus 2 cos theta. These two, so what you are getting sine by cos, its value is what? Clear?
Suppose another problem, 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta. 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta by 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta. 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta. This we have to prove what? Tan theta. तो यहां पे क्या होगा ये 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस व्हाट कॉस 2 थीटा. अब देखो यहां दोनों में साइन 2 थीटा का तो सिंगल फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. कॉस 2 थीटा का चार फार्मूला है उसमें से एक है टेन रेस्ट तीन साइन कॉस पे है. अब यहां डिसाइड करेंगे इतना याद रख लो कभी भी तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा आया तो उसको साइन जो फॉर्मूला साइन में है उस फॉर्मूला को यूज करना और एज ए फॉर्मूला भी तुम स्टोर कर सकते हो क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसको भी एज ए फॉर्मूला तुम याद करो और यू रिमेंबर दिस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसका वैल्यू हमेशा आएगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये जहां आएगा इसका वैल्यू आएगा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा. ये एज ए फॉर्मूला ऑनवर्ड्स यूज करना ठीक है लेकिन यहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं लेकिन तुम लोग इसका आगे जब भी प्रॉब्लम करोगे इतना याद रखो 1 माइनस cos 2 थीटा जहां मिला वहां पे 2 sin स्क्वायर थीटा यूज करना और 1 प्लस cos 2 थीटा जहां आया उस पे 2 cos स्क्वायर थीटा यूज करना. तो यहां पे कितना आया तुम्हारा 1 प्लस sin 2 थीटा हम लोग पूरा बेसिक में जाते हैं तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का जगह मैं यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. हियर 1 प्लस साइन 2 थीटा दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का जगह पे यूज किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है. सो व्हाट इज इट्स वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय दिस 1 एंड 1 एंड हियर आल्सो 1 एंड 1 यहां पे क्या हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा. अब क्या कमल ले सकते हैं साइन थीटा ऊपर से क्या कमल लेंगे नॉट 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा. So here it is cos theta plus sin theta. यहां क्या कमल लेंगे 2 cos theta. So here it is what? Sin theta plus cos theta. These two cancel. 2 and 2 cancel. Sin by cos this is what? Tan theta. समझ में आया? How to use the formula? Next. ये क्लियर हुआ तुम्हारा तो याद रहा ये 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा यहां पे भी यूज करोगे आगे चल के जब हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट सेकंड ईयर में उस टाइम ये फ्रीक्वेंट यूज होगा. तो वहां फॉर्मूला लिखने मत बैठ जाना जस्ट यू रिमेंबर द फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा यू हैव टू यूज रिपीट. Next, suppose here it is. You have to another problem is yeah, the other cos 4 theta. We have to prove 1 minus 8 sin square theta plus 8 sin theta to the power 4. Cos 4 theta, this is 1 minus 8 sin square theta plus 8 sin theta to the power 4. Ye prove karna hai. देखो ये कॉस किसमें कन्वर्ट हुआ है साइन में तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे साइन का फॉर्मूला. तो यहां कॉस 4 थीटा हम लेंगे कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा. इसको 2 इंटू 2 थीटा कर सकते हैं कि नहीं कॉस 2 इंटू व्हाट 2 थीटा. ये कॉस 2 का फॉर्म में आ गया तो कॉस 2 का वैल्यू कितना होता है 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर तो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा राइट. सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इनटू व्हाट कॉस थीटा. इसका क्या हो गया ये
तो ये अभी कितना हुआ, 1 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2, दिस इज व्हाट, नाउ इट इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये टोटल आंसर तुम्हारा किसमें है, प्रूफ क्या करना है, साइन में सब है, तो ये कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर दे, तो क्या होगा यहां, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2, क्लियर, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट सपोज हियर दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, 2 प्लस 2 एंड इट्स स्क्वायर रूट कॉस 4 थीटा, देख ठीक है, ये क्लियर हुआ, यहां जैसा तुम्हारा एक प्रॉब्लम दिया है, 2 प्लस 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, इट्स रूट ओवर एंड दैट यू हैव टू प्रूव एज व्हाट, 2 कॉस थीटा, इसका वैल्यू प्रूव करना है 2 कॉस थीटा, सिंपल है ये भी, 2 कॉस 4 थीटा, व्हाट इज इट्स वैल्यू, कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, और हियर इट इज, कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, 2, दिस कैन बी रिटन एज, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस 2 इंटू 2 थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा, कॉस 2 का स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, स्क्वायर रूट, ओ सॉरी स्क्वायर रूट इज नॉट हियर, यहां पे नहीं है, ठीक है, दिस स्क्वायर रूट इज नॉट हियर, ये स्क्वायर रूट नहीं है तुम्हारा, तो यहां पे यूज किए, इसका वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, इसमें किसी को कोई डाउट है, बिकॉज कॉस 2 थीटा, और देख लो इसको, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो इसको देख, ये करो 2 प्लस, इट इज 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, ये दिया हुआ है, सो दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू कॉस 4 थीटा जो आ रहा है तुम्हारा, इसको मेंशन करेंगे कॉस 2 इंटू कितना होगा, ये 2 थीटा, ये cos 2a का वैल्यू कितना होता है, 2 का स्क्वायर a माइनस 1, a का जगह पे किसको ले रहे हम, 2 थीटा, तो ये हो गया कितना, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2, हियर इट इज 2 का स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, क्लियर, तो ये कितना हुआ तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2, 2 एंड 2, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी 2 कॉस 2 थीटा, देन 2 प्लस this is square root of 2 plus what is its value, 2 cos 2 theta value kitna hai, 2 cos square theta minus 1, so what will be its value, kitna aayega tumhara, 2 plus 4 cos square theta minus 2, 2 and 2, so 4 cos square theta ka root over kitna aayega, square root of 4 cos square theta is 2 cos theta, so it is true, theek hai, क्लियर ना, ऐसे करके हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट योर वो तो पहले क्लास में किए थे हम लोगों, जैसा कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70 दैट इज रूट 3 बाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आगे करेंगे, जब कंप्लीट टोटल फॉर्मूला को कंबाइन करके उसका जितना भी प्रॉब्लम है उसका ऊपर भी क्लास करेंगे। अभी ये मल्टीपल एंगल का हम लोग देख रहे हैं, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला लाइक दिस, देन और एक इसमें प्रॉब्लम करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री।
ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उससे हमारा साइन 18 डिग्री मिलेगा तो cos 72 मिला, उसके बाद cos 36 भी निकाल सकते हैं, sin 36 भी उसी से लेकिन सब उसी से रिलेटेड है। तो sin 98 सपोज 90 डिग्री यू नो व्हाट इज इट्स वैल्यू 5 × 18 लेट यू आर टेकिंग 18 डिग्री इक्वल टू व्हाट थीटा। तो ये 90 का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री इज व्हाट 5 थीटा। इसको हम कर सकते हैं 90 दिस इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस व्हाट देन यू टेक 90 माइनस 3 थीटा दिस विल बी व्हाट 2 थीटा। दोनों साइड में हम साइन ले लेते हैं तो ये कितना होगा साइन 90 माइनस 3 थीटा दैट विल बी व्हाट साइन कितना हो गया 2 थीटा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला का हिसाब से साइन 90 माइनस 3 थीटा का वैल्यू कितना होगा कॉस 3 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नेगेटिव तो होगा नहीं और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये कितना हो गया कॉस 3 थीटा दिस इज व्हाट साइन 2 थीटा। अब मल्टीपल एंगल को यूज करेंगे ये आ गया इस फॉर्म में और मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है तुम्हारा क्या फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का 4 cos क्यू थीटा माइनस व्हाट 3 cos थीटा दैट इज व्हाट 2 sin थीटा इनटू व्हाट cos थीटा। क्लियर इसमें से कॉमन क्या जाएगा तुम्हारा cos थीटा सो यू टेक कॉमन तो अभी हम cos थीटा कॉमन 4 cos क्यू थीटा दिस इक्वल टू यू आर टेकिंग सॉरी हियर यू आर टेकिंग cos थीटा कॉमन cos थीटा कॉमन लेंगे तो कितना आया ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट 3 दिस इक्वल टू व्हाट 2 sin थीटा इनटू व्हाट cos थीटा देन cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल cos स्क्वायर थीटा को चेंज करो किसमें sin में तो ये कितना हो जाएगा 4 इनटू 1 माइनस व्हाट sin स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट 3 दिस इज व्हाट 2 sin अब इसको ओपन करने से क्या होगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 दिस विल बी व्हाट 2 साइन थीटा राइट। सो हियर 4 माइनस 3 यू आर गेटिंग 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा दिस विल बी व्हाट 2 साइन थीटा देन यू टेक दिस वन देयर तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 ये कौन सा फॉर्म में है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म और यू टेक लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स इसको एक्स ले लीजिए तो ये क्या हो गया तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 0 सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कौन सा है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू कितना होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ca बाय व्हाट 2 अगर इस फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे तो कितना आएगा द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट x विल बी माइनस बी मींस माइनस 2 राइट दिस इज बी स्क्वायर इज व्हाट 4 प्लस माइनस 4 माइनस 4 सी ए माइनस 4 इंटू सी सी इज व्हाट 1 माइनस 1 4 प्लस 4 दैट विल बी 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 बाय व्हाट 2a 2 इंटू 4 सो द वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग माइनस 2 प्लस माइनस इट इज 6 हाउ मच माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 20 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2√5 सो इट इज 2√5 बाय व्हाट 8 अगर हम माइनस 1 प्लस माइनस इट इज व्हाट √5 डिवाइडेड बाय ठीक है x इज व्हाट sin थीटा
थीटा क्या है 18 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना है साइन थीटा, और थीटा कौन है 18 डिग्री, तो इट मींस साइन 18 डिग्री यू आर गेटिंग हाउ मच -1 + √5/4 एंड साइन 18 डिग्री अनदर वैल्यू यू आर गेटिंग -1 - √5/4 व्हिच वन इज राइट बिकॉज यू नो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, ये पढ़े हैं कि नहीं, नो वैल्यू विल गेट नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, दैट इज -1 + √5/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू एंड यू ठीक है, कोई डाउट है इसमें. नेक्स्ट जो है तुम्हारा सम मल्टीपल एंगल, और भी प्रॉब्लम करेंगे इसका, प्रॉब्लम क्लासेस अलग करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला साथ एक्वेटेड हो जाओ, उसका साथ एक रिलेशन तुम्हारा डेवलप हो जाए, उसके बाद प्रॉब्लम ओनली प्रॉब्लम करेंगे इसका, टोटल फॉर्मूला एंटायर फॉर्मूला C+B 2A n 3A सबको यूज करके करेंगे, देन यू आर गेटिंग द फॉर्मूला सम मल्टीपल एंगल. सम मल्टीपल एंगल में तुम्हारा जो फॉर्मूला है, सो हियर यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे. साइन ए इट विल बी व्हाट, और इसको अगर कंपेयर करके करते हैं हम लोग, साइन 2A उसका वैल्यू कितना था 2 sin A × what इसी का अगेंस्ट में साइन ए का फॉर्मूला क्या मिलेगा तुम्हारा 2 sin A/2 cos A/2 ये देखो 2A था उसका जस्ट हाफ है, ये ए था ए का हाफ है कौन A/2 समझ में है. सिमिलरली साइन 2A का और एक वैल्यू मिला था तुमको, व्हाट इज इट्स वैल्यू 2 tan A / 1 + tan² A सो हियर ऑल्सो यू विल गेट ए वन फॉर्मूला 2 tan A/2 / 1 + tan² A/2 राइट, लाइक दिस cos 2A यू आर गेटिंग 4 फॉर्मूला अगेन, ये फॉर्मूला भी रिपीट हुआ. cos 2A का क्या वैल्यू था तुम्हारा cos² A - sin² A तो यहां cos A का वैल्यू क्या लेंगे cos² A/2 - sin² A/2 ठीक है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनदर वैल्यू 2 cos² A - 1 तो ये क्या हो जाएगा 2 cos² A/2 - 1 एंड हियर वन वैल्यू इज 1 - 2 sin² A तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² A/2 हियर वन वैल्यू इज व्हाट 1 - 10² A बाय व्हाट 1 + 10² A तो ये क्या हो जाएगा 1 - 10² A/2 बाय व्हाट 1 + 10² A/2 क्लियर. Like this, 10 to A. What will be its value? इसका वैल्यू कितना था तुम्हारा 2 tan A / what 1 - 10² A/A ये कितना हो जाएगा 10A का वैल्यू 10A = 2 tan A/2 / 1 - 10² A/2 cot A का क्या वैल्यू cot 2A का क्या वैल्यू था cot² A माइनस वन बाय वॉट कॉट ए ये था ना तो कॉट ए का ओनली कितना हो जाएगा वैल्यू cot² A/2 - 1 / 2 cot A/2 अच्छा वहां मैं तुम लोगों को बताया अगर कहीं पे रहेगा 1 + sin cos² A तो क्या यूज करेंगे 2 cos² A और कहीं अगर रहा 1 - cos² A तो क्या यूज करोगे 2 sin² A. सिमिलरली ये दो फॉर्मूला वहां किए थे यहां पे उसका एगेंस्ट में सब मल्टीपल एंगल में भी हो जाएगा 1 + cos A अगर कहीं मिला तुमको तो उसका एगेंस्ट में यूज करना 2 cos² A/2 ठीक है. अगर 1 - cos A कहीं मिला तुमको तो उसका एगेंस्ट में यूज करना 2 sin² A/2 ये दो फॉर्मूला इसको भी याद रखो देखिए
दिस फॉर्मूला इज इनसाइड दिस फॉर्मूला, इसका अंदर ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसको इधर लेंगे तो 1 प्लस cos y हो गया, ये उसका वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर है, और इसको ये इसको साइन चेंज करेंगे 1 माइनस cos है तो इट इज वैल्यू इज व्हाट 2 sin स्क्वायर a by 2, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।